हे नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले ओप्पो F11 प्रो को। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बकवास न करते हुए अनबॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को। और दोस्तों, अनबॉक्स करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहता हूं। तो यहां पे दोस्तों, ये रहा इसका बॉक्स। ओप्पो F11 प्रो को हम अनबॉक्स करते हैं इस चाकू की मदद से। तो भैया, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, देख लीजिए। मैं काट रहा हूँ तब भी भैया खुल जाए यार। यहाँ पे हम इस पन्नी को भी हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा मोबाइल अनबॉक्स हो चुका है। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक बॉक्स जिसमें होने वाला है कवर। तो हाँ भैया, मैं राइट हूँ, यहाँ पे कवर मिल जाता है और पेन मिल जाता है दोस्तों, और एक मेन्यू मिल जाता है। कवर की क्वालिटी की बात करें दोस्तों, कुछ दिनों में ये पीला पड़ जाता है। इसे साइड में रखते हैं और बात करते हैं मोबाइल के बारे में। तो भैया, ये रहा अपना मोबाइल जिसका नाम है ओप्पो F11 प्रो, और ये 5 मार्च 2019 को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। इसके कवर को हटाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छा मोबाइल है। ये ओप्पो K1 का कॉपी है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, ओप्पो K1 का कॉपी है ओप्पो F11। और ये रहा भैया इसका सिनेमेटिक इफेक्ट, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना प्यारा दिख रहा है। इसे साइड में रखते हैं। और अगर बॉक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है USB केबल और एयरफोन। तो एयरफोन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा दिया गया है एयरफोन। और अगर इसे मार्केट में लेने जाएंगे दोस्तों, तो लगभग 350 से 550 के बीच में एयरफोन मिलता है, काफ़ी महंगा आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एयरफोन। और अगर इसके बटन की बात करें, काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। तो भैया, इसे हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे अगर बात करें, ये USB केबल है भैया, देखते हैं क्या है USB। मेरे हिसाब से तो USB केबल है। हाँ भैया, मैं तो सही हूँ, USB केबल ही है। और यहाँ पे अगर बात करें इस चार्जर के बारे में, तो चार्जर बहुत ही कमाल का दिया गया है दोस्तों। ये रहा चार्जर, काफ़ी अच्छा चार्जर है, फास्ट चार्जिंग करेगा, 45 मिनट में बैटरी फुल चार्ज, बल्ले बल्ले। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। यहाँ से अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मस्त मोबाइल है। इसके डिज़ाइन लुक के बारे में बात करें, और दोस्तों कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये वीडियो फेक है, तो मैं उन लोगों को बता दूं दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल सही है ओप्पो F11 प्रो की। हाँ, ये ओप्पो K1 की तरह दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कहा ये कॉपी है, ओप्पो K1 का कॉपी ओप्पो F11 को बनाया गया है। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये रहा कुछ इस प्रकार का इसका लुक डिज़ाइन। और अगर यहाँ पे हम पिन डाल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमें सिम और मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए वो टूल्स बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे हम अपना मेमोरी कार्ड और सिम लगा सकते हैं। तो भैया, ये रहा, एक में मेमोरी कार्ड जाएगा, दो में सिम जाएगा। तो भैया, काफ़ी अच्छा दिया गया है। और दोस्तों, इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बैक साइड से काफ़ी अच्छा है डिस्प्ले इसका, बहुत ही अच्छा शाइनिंग दे रहा है भैया। और दोस्तों, मैं यहाँ से इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो भैया, हो गया है ओप्पो पावर बाय एंड्रॉयड। तो दोस्तों, ये रहा। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट देना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी क्वालिटी के बारे में, तो काफ़ी अच्छा है। आई होप दोस्तों आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके यार चैनल को लाइक ठोक दो यार इस वीडियो अगर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके बाजू में आने वाले घंटे को दबाना ना भूलें, कि आप मेरे हर प्रकार के चैनल के अपडेट पाते रहेंगे। धन्यवाद।